सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप ये कैसे पता कर पाएंगे कि आपका YouTube चैनल वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, बहुत लोग अपने YouTube चैनल को वेरीफाई करके भूल जाते हैं कि मैंने अपने YouTube चैनल को वेरीफाई किया था या नहीं किया था। और क्या है कि बहुत लोग अपने चैनल बना के वीडियो अपलोड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको भी ख्याल नहीं रहता है कि मैंने अपने YouTube चैनल को वेरीफाई किया था या नहीं किया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपका YouTube चैनल वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके में बताने वाला हूं। तो दोस्त, सही जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, इसलिए कि आपको इस चैनल के अंदर YouTube से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी बकवास के, बिना किसी इंट्रो के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे आपको youtube.com लिखने के बाद में सर्च कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, मैंने आपके सामने में youtube.com लिख दिया है, फिर मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। तो आप भी इसी तरह से youtube.com लिखने के बाद में सर्च कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3 डॉट है, आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट, तो आप इसी पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके चैनल का लोगो दिख जाएगा, तो आप इसी लोगो पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है योर चैनल, तो आप योर चैनल पे क्लिक कर देंगे। योर चैनल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कस्टमाइज चैनल, तो आप कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए आपके सामने में इस तरह से ऑप्शन आएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए नीचे में सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो आप इसी सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है चैनल, जैसा कि देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे चैनल है, तो आप इसी चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों, अब देखिए आपको क्या करना है, दरअसल साइट में आना है। आने के बाद में देखिए ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा ना, ये वाला, तो आप इसी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तीसरे नंबर पे। इस पे क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्त, अब आपके सामने में यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेगा, इनेबल, इनेबल, इनेबल। तो आपको क्या करना है, ये जो दूसरे नंबर पे इनेबल लिखा हुआ है ना, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्त, आपको थोड़ा नीचे करना है, और नीचे करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई फोन नंबर, और यहाँ पे हरा टिक है। इसका मतलब क्या है कि मेरा चैनल जो है ना फ़ोन नंबर से वेरीफाई हो चुका है। और अगर आपका यूट्यूब चैनल फ़ोन नंबर से वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आपके सामने में इस तरह से दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और अगर आपका चैनल वेरीफाई नहीं है, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मेरा एक वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाइए उस वीडियो को देख के आप अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई कर लीजिए। तो आप इस तरह से पता लगा सकते हैं कि आपका YouTube चैनल वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्त, आपको ये जानकारी कैसा लगा, आप प्यारी सी कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही है, अब हम आपसे मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।